इतने टाइम से जिन करेक्टर को सिर्फ मतलब चेस्ट से ऊपर ऊपर देखा है, आज उनको पूरा देखने को मौका मिला है, मतलब कि सर से लेके पैर तक वो पूरा दिखे हैं, उनका बिहेवियर, उनका चलना, उनका स्टाइल, सब कुछ मतलब देखने को मिला। तो इस वीडियो में बात करेंगे डिंडोरा वेब सीरीज के बारे में, जिसे यूट्यूब पर रिलीज किया गया। बीवी के वाइंस यार हर कोई जानता ही है उनको, मैं क्या बता रहा हूँ, कहाँ रिलीज किया जा रहा है, खैर मतलब बताने का फर्ज तो बनता है ना। और जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ, अब तक इसके 2 एपिसोड आ चुके हैं और भाई साहब सेकंड एपिसोड ट्रेंडिंग में चल रहा है। जब डिंडोरा वेब सीरीज के बारे में सुना था या फिर इसका जब ट्रेलर आया था, जब इसको देखा था, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था इसको देखने के लिए। भुवन बाम के यानी बीवी की वाइंस जो चैनल है, वहां पर जो लास्ट वीडियो डली थी वो 6 से 7 महीने पहले डली थी। फिर इसके बाद जो भुवन बाम के जो माता पिता हैं उनका देहांत होने के बाद जो इन्होंने सहा, फिर इसके बाद ये कम बैक कर रहे हैं। काफी ज्यादा खुशी है कि इतने बढ़िया इन्होंने अच्छे से रिप्रेजेंट हमारे सामने किया है, और इन्होंने जितना ये करेक्टर निभाए हैं, इतने टाइम से निभाते आ रहे हैं, इनको एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर आए हैं। मतलब कि इतने अच्छे से हमारे सामने इनको रखा है, इनकी मतलब कि जो डायलॉग इन्होंने इनको दे रखे हैं, सुनते ही बड़ा मजा आ रहा है। तो ये जो चीज हमने देखी तो काफी खुशी मिली मुझे। इसका जो फर्स्ट एपिसोड देखा, इसका सेकेंड एपिसोड है, मतलब इतना बेसब्री से इंतजार था इसके फर्स्ट एपिसोड का जब रिलीज किया गया, मतलब एक पल भी जो काम कर रहा था मैंने उसको साइड में हटाया, मैंने कहा ये सबसे पहले देखना है। और बहुत सारे जो इंडिविजुअल करेक्टर हैं या फिर जो टीम में काम करते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो उनको देखने का मौका मिलने वाला है इस सीरीज के अंदर, जो ये वेब सीरीज आ रही है। मतलब इसमें जब मैंने व्लॉग देखे, काफी सारे ट्रेंडिंग में व्लॉग चल रहे थे, फ्लाइंग बीस्ट के व्लॉग हो गए या फिर तन्मय भट्ट के व्लॉग हो गए, ट्रिगर्ड इंसान के व्लॉग हो गए, तो उन व्लॉग के अंदर हमें बहुत सारे क्रिएटर्स देखने को मिलते हैं, बीयू निक, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, और भी मतलब राउंड टू हेल, ये सारे करेक्टर जब हमें देखने को मिलते, तो जब लगता है कि यार ये कैसे यहां पर वर्क करने वाले हैं, एक साथ कैसे आने वाले हैं भुवन बाम के साथ, तो इनको देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। तो इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। अभी तो एक एक करके एपिसोड निकाले गए, 2 ही एपिसोड आए हैं। अब भुवन बाम ने जैसे करेक्टर प्ले कर रखे हैं हमारे सामने कि बबलू जो उनका परिवार है वो एक मिडिल क्लास परिवार है, तो उनकी जब लॉटरी लगती है तो कैसे खुशियां आती हैं, कैसे ट्रेजेडी होती है, क्या ट्विस्ट आते हैं, तो ये सब चीजें इसमें दिखाई गई, देखकर काफी संतुष्टि हुई। यार जब आप ये वर्क देखते हो ना, सच में बहुत ज्यादा एक प्राउड फील तो हमें भी होता है कि यार एक क्रिएटर कहां से इन्होंने शुरुआत की थी, एक उम्मीद यहां पर बन जाती है, या फिर एक किसी के मोटिवेशन का ये बन जाता है कि हाँ यार इन्होंने किया तो दूसरों के लिए भी मोटिवेशन बनता है कि हम भी कर सकते हैं, ये आगे गए हैं तो हम भी जा सकते हैं, तो ये वाली चीज देखकर काफी खुशी होती है। पर जो भुवन बाम के मैंने जब इंटरव्यू सुने थे, उन्होंने कहा था कि इन्होंने एक फोन से बनाना स्टार्ट किया था, तो फोन से बनाकर इन्होंने एक वीडियो जो है वो फेसबुक पे अपलोड की थी, तो वो वायरल हुई थी पाकिस्तान के अंदर, तो वहां से इनकी एक जर्नी स्टार्ट होती है। और आप देखें जहां पर इनकी इन्होंने जो मतलब क्या कह रहा हूं, मतलब जो YouTube पे इन्होंने जर्नी स्टार्ट की, कैसे कैसे करेक्टर इन्होंने निभाए, और आज आप देख रहे हो तो एक अलग ही मुकाम पे वो लेके गए हैं। और जब इनका फर्स्ट एपिसोड आया ये वेब सीरीज का, पूरी वेब मतलब पूरे एपिसोड के दौरान स्माइल थी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सेकंड में नहीं थी, सेकंड में भी थी यार, उससे ज्यादा थी बल्कि, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, एक पल भी कहीं मिस नहीं किया। और भुवन बाम के अगर आप काम को देखते हो तो इनकी हर एक वीडियो में लगता है कि इन्होंने बहुत दिल से वो काम कर रखा है, कहीं पर भी ऐसे नहीं कि काम चला हुआ है कि ठीक है भैया वीडियो बनानी है यूट्यूब के लिए चलो बना देते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं है। तो काफी अच्छा लगता है कि यार एक रियल जो कंटेंट क्रिएटर है वो ऐसे हैं जो दिल से काम करते हैं, और जनता इनको पसंद भी बहुत करती है वास्तव में, जो मतलब एक कितने टाइम से इनको देखते आ रहे हैं, अब इनकी वेब सीरीज है, तो ये दिल से खुशी है इस चीज के लिए, सच में बहुत ज्यादा खुशी। और बात करते हुए भी अच्छा लग रहा है कि क्रिएटर जो एक इंडिविजुअल क्रिएटर जिन्होंने इतना कमाल करके हमारे सामने प्रेजेंट किया है एक वर्क को, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसा नहीं है कि यार ये सब बोलने के लिए पैसे लिए, पैसे भी कौन देगा, 1000 सब्सक्राइबर है, गिन चुना कि उस 1000 में से भी आधे व्यूज नहीं आते हैं, तो कहां से कौन, कहां दुखड़ा लेके बैठ रहा हूं। खैर हटाते हैं इस चीज को साइड में। अगर आप लोगों ने ये वेब सीरीज देख रखी, बेशक देख रखी होगी, देखो यार फ्री में इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, अगर वो नहीं देख रहे हो तो यार बहुत बड़ी चीज तुम मिस कर रहे हो। मतलब पैसे देकर इतनी अच्छी चीजें नहीं मिलती हैं रियलिटी में, जैसे मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूं तो उसके अंदर यार इतना मतलब दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये क्या बना रखा है यार, इसके पैसे दे रखे हैं सच में, तो वो चीज नहीं है इसके अंदर, एक फ्री में इतनी बढ़िया चीज मिल रही है। अब तो अगर नहीं देखिए तो यार वेट किसका कर रहे हो, जाकर देखो एक रियल वर्क क्या होता है आपको इसमें देखने को मिलेगा। अलग अलग क्रिएटर्स आने वाले हैं इस वेब सीरीज के अंदर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के,
आपके भी कोई पसंदीदा हो गया, आप उसको उनमें देखना चाहते हो? मेरे तो बहुत सारे हैं, धीरे धीरे आएंगे, मतलब अब तक कौन आया है? खैर खैर खैर, हाँ सावधान इंडिया से रिलेटेड अनूप सोनी जो वो आए हैं, वो उनका काफी अच्छा लगा मुझे, सेकंड एपिसोड था उनके अंदर देखने को मिला। तो अगर देखा है तो प्लीज कमेंट करना कि कैसा लगा, देख रहे हो समय, देख रहे हो बात करते वक्त कितना अच्छा लग रहा है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।